हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू एंड इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, जो इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने आरसी सर्किट और एलआर सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, या बोल लो एलसी सर्किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो इसमें हमने क्या कर रखा है, कैपेसिटर है हमारे पास, एक कैपेसिटर और एक हमारे पास इंडक्टेंस है। बच्चों देखो, जितने भी हमने प्रोसेस कर रहे हैं, हम इसका एलसी सर्किट का कर रहे हैं या आरसी सर्किट का कर रहे हैं या एलआर सर्किट का कर रहे हैं, सबका सेम प्रोसेस है। बट क्या है, जो हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई जो कैपेसिटर है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उसकी कितना हो रहा है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, हम इसको इजिली कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब कैपेसिटर सी, एक कैपेसिटर है सी हमारे पास, और एक क्या इंडक्टेंस है एल, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं, आर जॉइन टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एन थ्रू अ मोर्स की, ठीक है, उसके पास एक सेल की है और एक क्या क्या है मोर्स की है, ठीक है। आप बताओ, ये जो आपकी बुक है उसमें डायग्राम थोड़ी अजीब करके बना रखा है, ठीक है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, जो बीएससी की बुक है फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की, उसमें अजीब सा डायग्राम बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो और अगर चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो ऑलमोस्ट होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, की प्रेस करते हैं, की प्रेस करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, तभी कैपेसिटर चार्ज होगा और तभी हमारा प्रोसेस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, की को प्रेस किया, की को प्रेस किया हमने, की को प्रेस करते करंट क्या हो गया, इसमें से फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड इंडक्टेंस, और जो कैपेसिटर होता है, जब कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, जब क्या हो रहा है, इसमें से करंट जा रहा है, वो करंट फ्लो कर रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्टोर होना, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ये आपको प्रोसेस लिखना है, जो आपने बनाया है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो सिर्फ आपको लिखना होता है थ्योरी में, जिससे आप क्या करो, अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्स बाय द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, इसने बोला कि भाई क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक्वायर्स है, मतलब जो कैपेसिटर को चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटेंस वो क्या होगा, क्यू बाई सी, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो आपको ये डिराइव नहीं करना है, आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज वॉट, क्यू बाय सी, ओके। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टेंस, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस द इंडक्टेंस क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हमने दो डेरिवेशन किए हैं, हर एक में इंडक्टेंस का यूज हुआ है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, आपको पता होगा कि ये ऐसा आएगा, ठीक है। विच अपोजेज द ईएमएफ ई ऑफ सेल, ये दोनों क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज क्यू बाई सी, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हर एक जो हमने जितनी भी डेरिवेशन किया सब में क्या स्टेप होगा, जो ईएमएफ होगा सेल का, उसमें से हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस को माइनस करेंगे, और जो हमारा कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर ले रखे है, रेजिस्टेंस ले रखे है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों में से जो हमारे पास है उसको माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इंडक्टेंस है और क्या है, कैपेसिटर है, तो ई में से माइनस डीएल बाई डी टी, माइनस किया माइनस क्यू बाई सी माइनस किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एज इट इज माइनस डी माइनस एल डी आई बाई डी टी एज इट इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन बनी हमारी, हम क्या करेंगे, इसको या तो चार्ज की फॉर्म में रखेंगे या किसमें करंट की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को करंट के फॉर्म में, तो चार्ज को तुम करंट के फॉर्म में लिख नहीं सकते, बट हम करंट को चार्ज की फॉर्म में लिख सकते, तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। देन ई देखो, जैसे हम करंट फ्लो करता है हमारे कैपेसिटर में, करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास जो भी है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो क्या होता है, चार्ज भी उसमें कैपेसिटर में स्टोर होना शुरू कर जाता है ना, तो क्या हो रहा है, करंट के साथ रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसका, टाइम का। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो ई माइनस डी बाई डी टी, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी पुट किया, एज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ठीक है। ई एज इट इज, ई को हम क्या किया, इस साइड ले आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी एज इट इज माइनस का था उस साइड प्लस में आ जाएगा, एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना होता है, एल को एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे एल को एडजस्ट करना होता है, हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया एल से, बच्चों देखो यहाँ पे एल से डिवाइड किया, यहाँ पे एल से डिवाइड किया, यहाँ पे एल से डिवाइड किया, इस एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ई बाई एल क्यू बाई एल सी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी का स्क्वेयर बच जाएगा। अब देखो, डी स्क्वेयर क्यू डी टी का स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी, इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसमें हमने क्या किया, क्यू एल सी माइनस ई बाय एल, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 1 बाय एल कॉमन ले लिया,
तो क्या बच गया पे क्यू बाय सी माइनस ई बाय वन। अब सी का एलसीएम ले लोगे तो अब क्या बचेगा, वन बाय एल क्यू माइनस सी ई बाय में सी। इस सी को हमने फिर बाहर लिख दिया, तो हमने इसको क्या लिखा, डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी का स्क्वेयर। इसको सोल्व किया हमने यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, वन बाय एल सी क्यू माइनस ई सी इज इक्वल्स टू जीरो। इतनी बात क्लियर। आप देखो डी स्क्वेयर क्यू डी टी का स्क्वेयर वन बाय एल सी, इसको मैंने एज इट इज लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लेट कर लिया। अब देखो हमने क्या किया, करंट फ्लो कर रहा है तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जा रहा है। हमने बोला भाई जब को फुली चार्ज हो गया तो क्यों किसके इक्वल हो जाएगा, क्यों नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके देन क्या आएगा, क्यू माइनस ई सी इक्वल्स टू जीरो, क्यू माइनस ई सी इक्वल्स टू जीरो है बट क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट हो गया, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, तो क्यू नॉट माइनस ई सी इक्वल्स टू जीरो, ई सी की वैल्यू क्या आ गई क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को हम ई सी की जगह रख देंगे, ठीक है। देन पुट ई सी इज इक्वल टू क्यू नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन डी स्क्वेयर क्यू अपॉन में डी टी का स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया कि जो ये है ना इसको हम बार बार क्यू माइनस क्यू नॉट लिखेंगे दुखी हो जाएंगे, इसको हमने बोल लिया कि भाई ये एक्स के इक्वल है, लेट कर लिया हमने, ठीक है। जब हमने इसको एक्स के इक्वल लिखा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वेयर क्यू अपॉन में डी टी का स्क्वेयर वन बाय एल सी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन से मैच करो, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वेयर पी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फॉर द अनडैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इस वाली इक्वेशन से क्या कर रही है, मैच कर रही है। हमने भाई रिजाम्बल कर लिया कि जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ रही है, सिर्फ हमें ये चीज यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, 11 12th में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखिए, t इज इक्वल टू 2 बाय बाय p। अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एल सी हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एल सी। तो t क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, 2 पाई 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी, दैट इज ये 1 अपॉन में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। हियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। देन 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारा चार्ज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर थ्रू एंड इंडक्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अगर आपको कुछ डाउट है, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, डिस्चार्ज में हमेशा क्या करते हैं, की को रिलीज कर देते, की को भाई छोड़ दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज इटसेल्फ थ्रू द इंडक्टेंस कॉइल, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आई बी द करंट एंड क्यू बी द चार्ज एट एन इंस्टेंट, सपोज कर लिया हमने। देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज क्यू बाई सी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। बच्चों देखो, ये स्टेप आपको याद रखने की, भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस होता है इसकी जगह, तो क्या जाता है, आर आई आ जाता है, ठीक है। जो हर एक डेरिवेशन है वो बिल्कुल सेम वे में चल रही है, कोई भी मतलब चेंजेस नहीं है उसमें, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके अक्रॉस डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसके अक्रॉस क्या है, ठीक है। अब देखो, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास ईएमएफ तो होता ही नहीं है, तो हम इसमें ईएमएफ नहीं लेते। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चार्ज क्यू सी प्लस में एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, ठीक है। इसकी जगह रेजिस्टेंस होता तो आर आई लिख देते, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सेम ही चल रहे हैं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है इसको। अब देखो आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, इसकी जगह डी क्यू बाई डी टी लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्यू बाय सी इसको लिखेंगे तो एल डी स्क्वेयर क्यू अपॉन में डी टी का स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। इसमें भी क्या क्या डिवाइड कर दिया एल सी, यहाँ से एल कट जाएगा तो क्यू बाय एल सी आ जाएगा प्लस डी स्क्वेयर के ऊपर में डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी उसी से रिजेंबल कर रही है अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ठीक है। अब हमें क्या पता है, वन अपॉन में एल सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर होता है, वन अपॉन में एल सी कितना होता है, ओमेगा स्क्वेयर होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डी स्क्वेयर के ओपन में डी टी का स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है, ठीक है। हमने एल सी की जगह, वन अपॉन में एल सी की जगह क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वन अपॉन में एल सी हो गया ना, ये देखो क्यू अपॉन में एल सी है तो क्यू वन अपॉन में एल सी हो गया, एल सी की जगह ओमेगा स्क्वेयर रखेंगे तो क्यू ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा, क्यू ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन,
ये देखो हम क्या करेंगे, इसको जर्नल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, किस में, जर्नल सॉल्यूशन में। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, फिजिक्स हमारी ऑलमोस्ट सपोजिंग पे चलते हैं, हम कुछ ना कुछ सपोज करके चलते हैं, कुछ ना कुछ कंसिडर करके चलते हैं, तो हमारी जो जर्नल जो इक्वेशन है वो ये आएगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट हम इसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो आप लोग देखिए। तो क्यू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई की इक्वल था। अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है, वन अपॉन में अंडर रूट एल सी होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, एट टाइम टी, जब टाइम इंस्टेंट टी है तो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट है, हमारी कंडीशन चल रही है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब टी की जगह जीरो पुट करेंगे, क्यू की जगह क्यू नॉट पुट करेंगे। ठीक है, हमने पुट किया तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, क्यू की जगह क्यू नॉट आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए साइन फाई। ये बात आ गई समझ में, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट अपॉन में साइन फाइव के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, फाइन फाइव की वैल्यू हमने क्या ली, पाई बाय टू ली, पाई बाय टू मतलब 90, और ए किसके इक्वल रखे, क्यू नॉट के इक्वल है। तो इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय टू, फाइव बाय टू आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन में एल सी, क्यू क्यू नॉट साइन, यहाँ पे आएगा टी अपॉन में अंडर रूट एल सी प्लस पाई बाय टू। v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, v की वैल्यू क्या आता है, वन अपॉन में t के इक्वल आ जाता है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल आ जाएगा। ये इतनी बात क्लियर, तो हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू एंड इंडक्टेंस ओनली, और डिस्चार्जिंग भी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है इसका एक डेरिवेशन हो रहता है, उसके बाद में हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ना दो चार दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब भी थोड़ी ज्यादा ठीक नहीं है, बट हम करते हैं। ठीक है, और मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आप मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, कि आप एमडी यूनिवर्सिटी से हो या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप बताना, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हम एक यूनिट करके एक यूनिट के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर में थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट ऐसे आती है ना, तो हम एक ही यूनिट कर लेंगे, साथ साथ कर लेंगे तो साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो और मैं एक टाइम टेबल बनाते हैं, देखते हैं शेड्यूलिंग में हम सिलेबस कर लेंगे हमारा, जल्दी कर लेंगे। पेपर कब होंगे, जुलाई के बीच में होंगे शायद, जुलाई के मिडल में होंगे पेपर आपके। ठीक है, तो आप साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए आपकी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए डाल पाऊँ। ठीक है, और आपको अगर किसी वीडियो में मतलब अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।